नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाजमा आब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस। और अब हम आपको लेकर चलते हैं इस वक्त की कुछ खास और अहम खबरों की ओर। यूपी के औरैया जनपद में विगत 21 नवंबर को मिले अज्ञात अधजले शव मिलने के मामले में आज पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए दो हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस के आला अधिकारी के अनुसार सदर औरैया कोतवाली क्षेत्र के दिव्यापुर रोड पर विगत 21 नवंबर को एक अज्ञात युवक का अधजला शव मिला था, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मौकाए वारदात से पेट्रोल की शीशी व शराब की शीशी समेत माचिस भी बरामद की। शव की शिनाख्त के लिए पुलिस ने सभी जगह अज्ञात युवक के शव के फोटो वायरल किए थे। वायरल फोटो के आधार पर मृतक के भाई ने बताया कि यह शव अनिल कुमार का है, जो कि जनपद इटावा का रहने वाला है और पल्लेदारी का काम करता है। मृतक का रेशमा नामक महिला से पति पत्नी की तरह संबंध थे। इसी दौरान कमलेश नट नामक एक युवक के भी रेशमा से संबंध बनाने का प्रयास जब उसने किया, जिसमें मृतक अनिल बाधक बन रहा था, जिस पर रेशमा और उसके प्रेमी कमलेश नट ने मृतक अनिल को शराब के नशे में उसकी हत्या कर दी और शव की पहचान मिटाने के लिए उसे जलाने का प्रयास किया। पुलिस ने फिलहाल दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। औरैया से दीपक अवस्थी की रिपोर्ट। थाना कोतवाली में दिनांक 11/21 के अंदर एक सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें बताया गया था कि दिव्यापुर रोड पर जो DPS स्कूल पड़ता है, उसके पास एक शरीर बरामद हुआ है, डेड बॉडी बरामद हुई है। इसमें पुलिस ने मौके पर पहुंचे, सारे साइंटिफिक एविडेंसेस हमने वहां से कलेक्ट किए। साक्ष्यों को जब हम लोग वहां से कलेक्ट कर रहे थे, उसी समय वहां पर जो अभियुक्त जो वहां डेड बॉडी थी, उसके पास एक माचिस की तीली, माचिस का डब्बा, पेट्रोल की शीशी, दारू की शीशी और अन्य कुछ सामग्री वहाँ से बरामद हुई थी। उसके आधार पर ये लग रहा था कि इनको जला करके इनको मारने का प्रयास किया गया था। उसके बाद इस डेड बॉडी की फ़ोटो सर्कुलेट करी गई अलग अलग मीडिया ग्रुप्स पे, अलग अलग जनपदों में। उसके द्वारा ही इस डेड बॉडी की पहचान की गई। पहचान में पाया गया कि ये डेड बॉडी एक अनिल नामक व्यक्ति की है, अनिल पुत्र करण सिंह, जो पल्लेदारी का काम करता है मंडियों में। सूचना पर जब पुलिस ने इसको गहनता से छानबीन की तो पाया गया कि अनिल की जो सो कॉल्ड वाइफ है रेशमा, उसके साथ वो कई सालों से लिव इन में रह रहा है। रेशमा के अवैध संबंध हुए थे कमलेश नट नामक व्यक्ति के साथ, और कमलेश नट और ये जो वाइफ रेशमा है, दोनों ने मिल करके, क्योंकि अनिल को पसंद नहीं था कि कमलेश उसकी वाइफ से मिले, रेशमा से, उसके लिए उसके एवज में जो ये कमलेश नट है और जो अनिल की वाइफ रेशमा, उनके द्वारा इस घटना को कारित किया गया, जिसमें कमलेश ने बताया पूछताछ में पुलिस को और घटना को स्वीकार करते हुए बताया कि 11/21 के पहले, मतलब एक रात पहले, उसको शराब का सेवन कराया गया अनिल को, और अनिल को ले जा करके एक सुनसान एरिया जब उसने देखा तो उसने उसको मारने के लिए उसके ऊपर, जब वो दारू पी करके बेहोश हो गया तो उसको पेट्रोल डाल करके उसको जलाने का प्रयास किया और वहाँ से भाग गया। इसके पेट्रोल डालने की वजह से और आग लगाने की वजह से अनिल की मृत्यु हो गई। इसमें हमने कमलेश नट और जो पत्नी उसकी रेशमा, दोनों को गिरफ्तार किया है, और सभी जो साक्ष्य हैं, जैसे कि उसके माचिस के डब्बे, पेट्रोल आदि वस्तु, सभी को हिरासत में लिया गया है। और इसमें जो आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो करिए। आरोपी कहाँ से पकड़े गए? ये आरोपी हमारे ही क्षेत्र से पकड़े गए हैं, जनपद औरैया से ही पकड़े गए हैं। और इसमें पूछताछ में इन्होंने भली भांति ये कबूल किया है कि इनका कई वर्षों से रेशमा के साथ इलीगल रिलेशन था, और जो इनके पति को पसंद नहीं आता था, जिसमें जिस वजह से इनकी हत्या कर दी गई।